क्या है कि अखिलेश यादव के पास इतना ज्यादा क्षेत्र लंबा है निरहू के, खाली आजमगढ़ देखे के बा। हम लोगों को जो अखिलेश यादव नेता है वहाँ, हम लोग खुद अखिलेश यादव हैं, उनके आने की जरूरत नहीं है। और अखिलेश यादव यहाँ पे रहे ना रहे, जीत उनकी पक्की है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आजमगढ़ जिला में मतदान हो रहा है और जहां पे हम खड़े हैं यह जगह सलारपुर। आइए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, लोग मतदान दिए किसे दिए और क्या कारण है। इन सब सारी मुद्दों के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज़ फिर से एक बार हाजिर है। सर, क्या नाम है आपका? रामानंद यादव। वोट आपने दे दिया? जी सर। किसको दिया है? अखिलेश को। क्या नाम है आपका? राजन यादव। वोट दिया सर आपने? जी। किसे दिया है? अखिलेश यादव को। क्या नाम है आपका? रविचंद्र यादव। साइकिल पे वोट दिए। क्या वजह साइकिल पे उड़ते हैं? साइकिल का वजह है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने विकास किया, इसलिए हमने साइकिल पे उड़ दिया। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। वोट दिया आपने? जी। किसे दिया है? अखिलेश को। क्या नाम है आपका भैया? सोनू यादव सर। वोट दे दिया है? जी सर। किसे दिया? अखिलेश यादव को। क्या वजह अखिलेश यादव? अखिलेश यादव सर नेता कोई नहीं है और जितना जिला में विकास हुआ है सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से हुआ है। और हमारी एक विनती है निरहू से कि वो जो है फिर गाजीपुर चले जाएं। यहाँ आजमगढ़ में अखिलेश यादव सर नेता कोई नहीं है और ये जनता पूरी जो है अखिलेश यादव को ही पसंद कर रही है और हम लोग 5 लाख वोटों से जो है आगे रहेंगे। अच्छा, क्या आपको लग रहा है निरहुआ अखिलेश यादव कोई टक्कर दे रहा है? जी सर, बिल्कुल लग रहा है, वो कहने की बात नहीं है। अभी 23 मई को आप फिर एक बार हमसे, जी 23 मई को सबसे जो है रिजल्ट सामने आएगा और अखिलेश यादव 5 लाख वोटों से आगे जाएंगे। ऐतिहासिक जीत। एक आरोप और लग रहा है समाजवादियों के ऊपर कि अखिलेश यादव जी ने यहाँ से नामांकन करके चले गए, सभा किए, इसके बाद उनकी जनसभा होने वाली थी, जनसभा में भी नहीं आए। इस पे क्या कहना आपका? जनसभा सर क्या है कि अखिलेश यादव के पास इतना ज्यादा क्षेत्र लंबा है निरहू के, खाली आजमगढ़ देखे के बाद। हम लोगों को जो अखिलेश यादव नेता है वहाँ, हम लोग खुद अखिलेश यादव हैं, उनके आने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद यहाँ पे अखिलेश यादव हैं। हर एक लड़का, हर एक वोटर यहाँ का समाजवादी अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव यहाँ पे रहे ना रहे, जीत उनकी पक्की है। जैसा सर अभी आप आए, हम देख रहे हैं कि जो आपका गमछा समाजवादी पार्टी का है, हो सकता है आप न कहीं कहीं ना समाजवादी पार्टी के सदस्य हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय यादव है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर तमौली है जी। जिस गांव को नेताजी माने मुलायम सिंह यादव जी, जिस गांव को गोद लिए, हम उसी गांव से हैं। वोट दे दिया आपने? मैं अभी मतदान सुबह में कर दिया हूँ जी। निश्चित होगा अखिलेश यादव को आपने? अखिलेश यादव जी 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, एक आपने बात कहा कि आप तमौली गांव के वासी हैं, तो अन्य विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि तमौली गांव को नेताजी ने गोद लिया, गोद लेने के बाद उस गांव में कदम नहीं रखे जी। मुलायम सिंह छोटे मोटे नेता नहीं है, तो माननीय मुलायम सिंह आजमगढ़ में इतना काम किए हैं और तमौली गांव में बेहतर रूप से काम किए हैं। जब से गोद लिए हैं, पानी टंकी लग गई और आपके गांव में बिजली काम, बिजली मतलब कनेक्शन गांव-गांव फैल गया है, इंटरलॉकिंग हो गया है, आरसीसी हो गया है, हमारे गांव में आरओ प्लांट हो गया है, डेयरी मिल्क हो गया है, हमारे गांव में हर एक डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क जी, दूध वाले छोटा मोटा जी, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क जी, गांव में गांव के समस्याओं के लिए डेयरी मिल्क। तमाम खबरें आपके गांव की चली, जो डेयरी मिल्क की आप बात कर रहे हो हमेशा बंद रहती है, इस विषय में क्या कहना है आपका? अब गांव वाले वो चलती है, हमेशा चलती है जी, जी। सुबह 10 बजे से, सुबह 7 बजे से 10 बजे चलती है। कुछ बीजेपी वाले। अच्छा, अभी अभी जो अभी एक सूचना आ रहे हैं, अभी हम टाड़ी से आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ बीजेपी वाले हैं जो ईवीएम के गड़बड़ी से लेकर के मंत्री जी के ऊपर पथराव कर रहे थे वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे, मंत्री जी गए थे वहाँ पे, पुलिस गई थी, प्रशासन थोड़ा वहाँ पे पथराव भी हुआ था मंत्री जी के ऊपर, हम लोग गए थे, सब सही है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मंत्री जी दुर्गा प्रसाद यादव जी के ऊपर पथराव हो गया, आइए और लोग हमारे साथ हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं क्या स्थिति है आजमगढ़ में। आजमगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी है अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये कैसे आपका विपक्षी कह रहे हैं उनकी जमानत जब्त हो रही है? निरहुआ की जमानत जब्त होने वाली है? अखिलेश यादव की जमानत नहीं जब्त होने, निरहुआ की जमानत जब्त होने वाली है, निरहुआ का पता नहीं चलेगा। गठबंधन पूरा उत्तर प्रदेश चुनाव अगर जीत जाता है तो क्या प्रधानमंत्री बनने के काबिल कोई नेता है? बहुत लोग काबिल है, सीट ही नहीं उनके पास है उतना। देखिए, उत्तर प्रदेश ही चुनता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और रह गई बात उत्तर प्रदेश, दो ही पार्टियां हैं गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी और सपा पार्टी। जब दोनों में गठबंधन हो गया तो जिस तरफ गठबंधन जाएगा उसी तरफ प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ सलारपुर गांव वासी, सलारपुर के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर हम आपको कहीं अगले जगह मिलते हैं, अगले मतदाता बूथ से जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।